ऑल राइट, चलिए रोहन गुप्ता आपसे शुरू करते हैं। शरद पवार आज जो फिर अजीत पवार से मिले, रोहन क्या धड़कनें बढ़ी हैं क्या विपक्ष में, खेमे में, कि पता नहीं शरद पवार क्या करेंगे, खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, धड़कनें तो भाजपा की बढ़ी हुई है। और जैसे अभी आप मानक जी कह रहे थे कि अगर भाजपा का वॉशिंग मशीन ऐसे ही चलता रहा तो आपके स्क्रीन में आपके लिए भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि हर पार्टी के दो दो प्रवक्ता होंगे, कोई इधर होगा कोई उधर होगा, यही तो लोकतंत्र की हत्या है। इससे ज्यादा हम क्या करेंगे, जो आज 8 दिख रहे हैं वो 16 हो जाएंगे, 16 के 32 हो जाएंगे। तो ये तो भाजपा है, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज चले गए भाजपा को छोड़ गए। देखिए आज एक चीज हमको मानक जी समझनी पड़ेगी, जो आपने विश्लेषण में कहा कि भाजपा की धड़कनें तेज हो रही है, जो एनडीए को भाजपा ने भस्मासुर बन के खत्म कर दिया और सिर्फ अकेला सब पे भारी, ये भाजपा का स्लोगन हुआ करता था, आज भाजपा के स्लोगन में चेंज आ रहा है। आज भाजपा एनडीए की बात करने पे मजबूर हुआ है, और जो चाचा भतीजा को अलग किया एलजीपी में, जो ये उनकी वो ट्रेलर था, आज वो दोनों चाचा भतीजा को साथ में लेके बैठक करने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को समझ में आ गई कि देश का लोकतंत्र आज रिस्पॉन्ड कर रहा है, लोक देश की जो जो राजनीति है बदल रही है, और उनको भी समझना पड़ेगा कि एक अकेला सब पे भारी ये नहीं चलने वाला है। अब मुद्दों की राजनीति होगी, जनता के इश्यूज की राजनीति होती, आपकी डिलीवरी कितनी आपने की, आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। और इसीलिए भाजपा में देख रहा हूं ऐसे लोग कल तक भाजपा प्रवक्ता। ओके, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये, चलिए मान लिया कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है आपकी बैठक के बाद, मैंने मान लिया, हो सकता अजय आलोक उसको मना ही करेंगे, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने कुछ तो ट्रैक अपना बदला है, लेकिन उसमें तो आपका नुकसान है ना। ये तो मान लीजिए रोहन कि पहले जो ऐसा लग रहा था विपक्ष एकजुट होकर बड़ी चुनौती बन पाएगा, अगर एनडीए भी बड़ा हो गया तो फिर तो ये फाइट और उलझ जाएगी ना, आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानक जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसका आपको डिटेल्ड आंसर दूंगा। देखिए पहले भाजपा का एक नैरेटिव था कि एक अकेला सब पे भारी, मतलब मोदी वर्सेस ऑल, एक जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा था भाजपा के द्वारा कि नहीं मोदी जी हैं सब कुछ, हम 300 के ऊपर जाएंगे, अब हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये नैरेटिव में चेंज आना, ये चीज दिखा रहा है कि कर्नाटक के बाद में जहां पे भाजपा ने साम दाम दंड पेट सब कुछ अपना लिया, वहां पे कैंपेनर मोदी जी थे, पूरी पार्टी ने हिंदू मुसलमान सब करने के बाद भी अगर भाजपा हारती है, इसका मतलब है कि भाजपा को ये चीज समझ में आ गया है कि अकेली भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती है। इसका मतलब ये भी उनको समझ में आ गया है कि विपक्षी नेता अगर पार्टियां सब इकट्ठी आती है तो एक फॉर्मेटिबल ऑपोजिशन होगा। इसका मतलब यह भी भाजपा को समझ में आ गया कि देश में ये जो कहा जाता था कि बीजेपी का कोई अल्टरनेट नहीं है, ये नैरेटिव भी चेंज हो रहा है। और ये नैरेटिव जैसे जैसे आने वाले दिनों में चेंज होगा, जैसे विपक्ष की आप जो बैठक देख रहे हैं उसमें 26 पार्टी हो गई, आने वाले दिनों में जैसे जैसे पार्टियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो लोग डर रहे हैं आज की डेट में भाजपा के वॉशिंग मशीन से, उनको मालूम है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे वहां पर भी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा एजेंसी के प्रेशर से, वो लोग भी धीरे धीरे बाहर आएंगे, अपनी जो अंतरात्मा है उसकी आवाज सुनेंगे और धीरे से एक और सवाल बस, विपक्ष का जो एकता हो रही है उसमें जुड़ेंगे। ओके जी, एजेंडा कुछ आज का जो लीक होके आ रहा है, अभी तक बताया कुछ नहीं है ज्यादा ऑफिशियली आपके नेताओं ने, क्या नाम तय हो जाएगा, कन्वीनर तय हो जाएगा, सीटों के बंटवारे पर कोई सॉलिड फॉर्मूला इस बैठक से निकलेगा? क्योंकि अगर नहीं निकला तो फिर तो बीजेपी का आरोप सही हो जाएगा, फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं आप, जमीन पर आप आपस में इतना लड़ते हैं क्षेत्रीय दलों से कि कोई समझौता हो नहीं पाता है। देखिए अगर बीजेपी की बात मैं मानूं और सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी से अगर बीजेपी में इतनी खलबलाहट है तो फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो सिर्फ आप बीजेपी को फोटो ऑप लग रहा है, अगर फोटो ऑप में बीजेपी ये कहने लग गई कि हम एनडीए में 25-30 पार्टियां हैं तो ये इसका मतलब समझिए कितने डरे हुए हैं। देखिए ये हर इस बार जो विपक्षी बैठकें हो रही है मानक जी, बहुत सिस्टमेटिकली हो रही है, इश्यू बेस हो रही है, क्योंकि हमको एक कॉमन एजेंडा देना होगा देश की जनता के सामने, कौन कौन से जनता के इश्यू से हम मिलकर बात करेंगे, क्या हमारा एजेंडा होगा, क्या हमारे डिलीवरेबल्स होंगे, तो हम लोग बहुत कॉन्क्रीटली आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। कल हमको आम आदमी पार्टी के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे, आज और 8 पार्टियां ज्वाइन हो गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं बीजेपी को समझना होगा कि गेम चेंज हो रही है और उनका जो प्रेशर दिख रहा है एनडीए को रिक्रिएट करने में, वो प्रेशर ही दिखा रहा है कि बीजेपी ग्राउंड रियलिटी समझ रही है। ओके अजय आलोक।